नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार त्रिदेव और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं दुर्गापुर के गेस्ट हाउस की एक खौफनाक कहानी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज की ये कहानी रूबल के मॉम एंड डैड के साथ आज से करीबन 38 साल पहले 1976 में घटी सर्दी की एक रात में घटी घटना पर आधारित है। रूबल के डैड एक ऐसे काम से जुड़े हुए थे जिसके कारण उन्हें वीक में दो बार अपने कोलकाता के घर को छोड़ दुर्गापुर जाना पड़ता था। उनकी कंपनी ने उनके लिए दुर्गापुर में एक गेस्ट हाउस बुक कर रखा था जहां उनके लिए एक अलग से कमरा था। वो जितनी बार भी दुर्गापुर जाते उस गेस्ट हाउस के उसी कमरे में ठहरते जिसकी खिड़की खोलने पर सामने वाले का दिल दहल जाए। गेस्ट हाउस के उस रूम की खिड़की खोलते ही सामने का नज़ारा एक कब्रिस्तान का था। हालांकि इस बात से रूबल के डैड को कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि उनका विश्वास भूत प्रेत और आत्माओं से ज़्यादा अपने ईश्वर पर था और दूसरा अपने आत्मविश्वास पर। और ऐसा कहते हैं जिनका आत्मविश्वास और दिल मजबूत होता है उन्हें भूत प्रेत की बातें या उनकी मौजूदगी कभी सता नहीं सकती। इस गेस्ट हाउस में आज तक अनगिनत हादसे हुए और तो और इस गेस्ट हाउस का मैनेजर यहाँ आने वाले हर गेस्ट को शाम 5 बजे के बाद खिड़की खुली ना रखने की वार्निंग भी देता है, जो रूबल के डैड कभी नहीं मानते थे। उनका इन बातों का नहीं मानने का सबसे बड़ा कारण ये भी था कि उन्होंने कभी इस गेस्ट हाउस में कुछ अजीबोगरीब महसूस ही नहीं किया था। लेकिन कभी कभार आधी रात में नींद में उन्हें ऐसा लगता था जैसे कोई उनके कान के पास आकर उनका नाम पुकार रहा हो। कई बार उन्होंने उठकर रूम में चारों तरफ नज़र दौड़ाई लेकिन वहाँ कोई नहीं था। दुर्गापुर टूरिस्ट लॉज के इस कमरे में ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद रूबल के डैड लेट राणा चक्रवर्ती ने इस गेस्ट हाउस में आना तो दूर इसके बारे में सोचना तक छोड़ दिया था। इस बार उनके साथ उनकी वाइफ मिसेस मीनाक्षी चक्रवर्ती और 3 साल का बेटा रूबल भी उनके साथ गया। लॉज में घुसते के साथ ही वहां के मैनेजर ने उन लोगों का स्वागत एक लंबी सी स्माइल से किया क्योंकि राणा जी यहाँ हमेशा आते रहते थे। उनकी जान पहचान यहाँ के सारे लोगों से बहुत अच्छी थी। मैनेजर ने बातों ही बातों में सजेस्ट किया कि इस बार मिस्टर राणा किसी और कमरे में ठहरें, ना कि उसमें जिसमें वो हमेशा ठहरते थे। मिस्टर राणा ने मैनेजर की एक नहीं सुनी और मैनेजर से हंसते हुए कहा कि उन्हें उसी कमरे की चाबी दे दें जिसमें वो हमेशा ठहरते हैं। अजीब सी कशमकश वाली हालत में मैनेजर ने वो चाबी तो मिस्टर राणा को दे दी लेकिन साथ ही साथ मिसेस मीनाक्षी से एक छोटी सी गुजारिश की। मैनेजर ने कहा कि शाम 5 बजे के बाद खिड़की खोली ना रखें मैडम, और हो सके तो किसी भी समय खिड़की के सामने खड़े होकर अपने बाल ना बनाएं। ये चेतावनी मैनेजर हर गेस्ट को देता था लेकिन आज उसे एक अजीब सा डर लग रहा था क्योंकि पहली बार मिस्टर राणा अपने परिवार के साथ यहाँ आए थे और वो नहीं चाहते थे कि उनके साथ कोई दुर्घटना घटे। खैर, कमरे में चेकिंग करने के बाद मिस्टर राणा अपने काम से बाहर चले गए और मिसेस मीनाक्षी अपने 3 साल के बेटे को रूम में छोड़कर खुद नहाने चली गई। नहा कर जब वो बाहर निकली तो अपने बाल सुखाने वास्ते उन्होंने खिड़की खोली और खिड़की खोलते के साथ ही सामने का नज़ारा उनके आंखों के सामने था। सामने का नज़ारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। खिड़की खोलते के साथ ही जिस बात से वो अनजान थीं वो उनके सामने था। जितनी दूर मिसेस मीनाक्षी की नज़र गई उन्हें बस कब्र ही कब्र दिखाई दे रही थी। इस दुर्गापुर टूरिस्ट लॉज के पीछे एक कब्रिस्तान था। जिंदगी के बाद की इस सच्चाई को देख
मिसेस मीनाक्षी बहुत डर गई थी। उन्होंने तुरंत खिड़की बंद की और अपने 3 साल के बेटे रुबल को लेकर पलंग पर बैठकर उस डरावनी हालत में अपने पति का बेसब्री से आने का इंतज़ार करने लगी। शाम करीबन 6 बजे मिस्टर राणा अपने काम से लौटे। उनको देखकर मिसेस मीनाक्षी की सांसों में सांस आई। उन्होंने अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट की कि वो मैनेजर से बात करके अभी के अभी रूम चेंज करें, क्योंकि इस रूम की खिड़की के ठीक सामने कब्रिस्तान है जिसकी एक झलक शायद उन्हें रात भर सोने ना दे। मिस्टर राणा ने अपनी बीवी को बताया कि पिछले 5 साल से जब जब वो दुर्गापुर आए हैं, लॉन्च के इसी कमरे में ठहरे हैं, और ये दिलासा दिया कि आज तक उनके साथ ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ जो उन्हें इस बात से डरा दे कि इस रूम की खिड़की के ठीक सामने का नज़ारा एक कब्रिस्तान का है। बहुत समझाने के बाद मिसेस मीनाक्षी मान गई और आज की रात इसी रूम में बिताने का फैसला किया। लेकिन इन सब के बीच मिसेस मीनाक्षी ने एक बात छुपाई। मैनेजर की चेतावनी के बावजूद मिसेस मीनाक्षी ने ना तो सिर्फ खिड़की खोली बल्कि वो वहाँ खुले बालों में कुछ देर के लिए खड़ी भी थी। ये बात तो शायद आपने भी कहीं ना कहीं सुनी होगी कि शाम ढलने के बाद बाल खोलकर छत पर ना घूमें, या फिर रात को सोते वक्त अपने बालों को ज़रूर बांध लें। अनजाने में ये गलती मिसेस मीनाक्षी के साथ दुर्गापुर गेस्ट हाउस के उस कमरे में हो गई जिसकी खिड़की के ठीक सामने एक कब्रिस्तान था। 13 जनवरी 1976 की रात करीबन 11 बजे मिस्टर राणा की नींद को उन्हीं के रूम से आ रही एक आवाज़ ने तोड़ दिया। उन्होंने उठकर देखा तो पाया कि उनकी बीवी मीनाक्षी के बाल हवा में थे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रही हो। और खुद को बचाने के लिए मिसेस मीनाक्षी टेबल के कोने को पकड़ी हुई हैं और डर के कारण उनके गले से कोई आवाज़ नहीं निकल पा रही है। एक पल को तो मिस्टर राणा को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत जुटाकर अपनी बीवी का हाथ पकड़कर उन्हें अपनी ओर खींचने की पूरी कोशिश की। उनकी ये कोशिश नाकामयाब हो रही थी क्योंकि वो अदृश्य शक्ति बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थी जो मिस मीनाक्षी को उस कमरे के बाहर की ओर घसीट रही थी। मिस्टर राणा ने जोर जोर से मदद की गुहार लगानी शुरू की तो कुछ ही पलों में उस लॉन्च के अगल बगल के कमरे के लोग और मैनेजर भी आ गए। सबने मिलकर बहुत मुश्किल से मिसेस मीनाक्षी को बिस्तर पर लेटाकर उनके हाथ पांव बांधे। इस हालत में भी मिसेस मीनाक्षी के शरीर के अंदर न जाने कैसी अद्भुत शक्ति थी जो उस पूरे पलंग को हिलाने पर मजबूर कर रही थी। इस हालत में मिसेस मीनाक्षी बस एक ही बात बार बार कही जा रही थी कि कोई मुझे मारना चाहता है और वो मुझे मौत की ओर घसीट रहा है, प्लीज़ मुझे बचा लो। मिस्टर राणा काफ़ी साहसी इंसान थे। उन्होंने रात भर अपनी बीवी के सर पर हाथ रखकर अपने गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का जाप किया। सूरज की पहली किरण के साथ मिसेस मीनाक्षी की हालत बहुत सुधर चुकी थी, मानो पिछली रात उनके साथ कुछ हुआ ही नहीं था। बस उनके शरीर में एक अजीब सी थकान थी। मिसेस मीनाक्षी के साथ उस रात जो कुछ भी हुआ, आपको शायद उनके डर से उत्पन्न हुई मानसिक परिस्थिति लगे, लेकिन अचानक से मिसेस मीनाक्षी के शरीर में आई वो अपार शक्ति जिसको काबू करने में करीबन 5-6 लोगों की मदद लेनी पड़ी, इसे एक्सप्लेन कर पाना बहुत मुश्किल होगा। दुर्गापुर गेस्ट हाउस आज भी मौजूद है, लेकिन वहाँ कोई नहीं रहता। कई सालों से वो वीराना पड़ा है। तो दोस्तों, ये थी आज की दुर्गापुर गेस्ट हाउस की कहानी। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी है, और अगर आपको कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ।